नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, नीलगिरी में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया दोपहर को, और इस हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी और अन्य अधिकारियों समेत कुल 14 लोग सवार थे। वायुसेना ने हादसे का कारण जानने के लिए जाँच के आदेश दे दिए हैं। वहीं इस हादसे के बाद से उत्तराखंड में भी जो है काफी हड़कंप मचा हुआ है। लोग देवभूमि के बेटे के बारे में जानने के लिए काफी बेचैन नजर आ रहे थे, लेकिन जब हर किसी को पता चला कि बिपिन रावत इस देश में नहीं, अब दुनिया में नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं हर किसी की आंखें नम हो गईं। यकीन कर पाना हर किसी के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, और ऐसे में उनके परिजन भी लगातार चिंतित नजर आ रहे थे। जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर से उत्तराखंड बीजेपी में भी गहमा गहमी और चिंता का माहौल बना हुआ था। घटना को लेकर आपको बता दें कि लगातार अपडेट सामने आ रहे थे। ऐसे में बीजेपी चुनाव प्रभारी BL संतोष ने भी दोपहर के बाद बैठक छोड़ दी थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर CDS बिपिन रावत के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन अब जो है लगातार श्रद्धांजलि बिपिन रावत को दी जा रही है। अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है श्रद्धांजलि दी, और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट में पहले लिखा था कि हम सभी उत्तराखंडवासी भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं कि हम सबके गौरव, हम सबके अभिभावक, देश के पहले और वर्तमान CDS जनरल बिपिन रावत और अन्य लोग जो भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए हैं, सभी कुशल रहें जो है। लेकिन उसके बाद अब जब आपको बता दें उत्तराखंड में काफ़ी हलचल नज़र आ रही थी, उसके बाद लगातार अब अपडेट जो मिल रहा था वो ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कल बिपिन रावत के घर जाएंगे, क्योंकि बिपिन रावत आपको बता दें उनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में ही हुआ है, उत्तराखंड से ताल्लुक वो रखते हैं, और इसीलिए उत्तराखंड में काफी गहमा गहमी जो है वो नजर आ रही थी। तो चलिए अब आपको जरा बिपिन रावत के एक सफर के बारे में भी बता देते हैं कि किस तरह से उनके सफर की शुरुआत हुई और किस तरह से CDS बनने तक का उनका ये सफर रहा। तो बिपिन रावत का शौर्य भरा ये सफर रहा। 16 मार्च 1948 में पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ। तो ऐसे में पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं वो, शिमला के, उसके बाद सेंट एडवर्ड्स स्कूल से उन्होंने स्कूली पढ़ाई की, यानी कि उत्तराखंड से तो जिस तरह से ताल्लुक था ही, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश से भी ताल्लुक रखने वाले वो रहे हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी से स्नातक उन्होंने किया, यानी पहले से ही एक जो है क्लियर उनके माइंड में चीज़ें थी कि किस फील्ड में आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको बता दें 16 दिसंबर को सेना में नियुक्त वो किए गए थे। तो पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ और उसके बाद CDS बनने तक का ये सफर दिखा रहे हैं। पहली नियुक्ति जो उन्हें मिली वो 11 गोरखा राइफल्स में हुई थी पहली नियुक्ति, और उसके बाद आपको बता दें कि IMA में स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित उन्हें किया गया था। तो देश के लिए काफ़ी बड़ा योगदान उनका रहा है। सफ़र उनका बहुत शौर्य भरा ये रहा है। पूर्वी भारत से लेकर कश्मीर तक उन्होंने जो है अपनी सेवाएं दी, तैनात वो पूर्वी भारत से लेकर कश्मीर तक रहे थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख वो बनाए गए थे। तो ये हम आपको उनका सफ़र दिखा रहे हैं कि 1 सितंबर से 2016 में उन्हें बनाया गया था, और ऐसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस उन्हें बनाया गया था। 3 साल का उनका ये कार्यकाल रहा, लेकिन 3 साल का कार्यकाल वो अपना नहीं पूरा कर सके, और ऐसे में 31 दिसंबर 2019 से CDS के पद पर वो तैनात थे। विधानसभा सत्र में विधायकों को 24 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट के साथ प्रवेश मिलेगा। आपको बता दें अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और अन्य विजिटर्स के लिए भी RT-PCR जांच अनिवार्य होगी। जो रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे उनका विधानसभा में ही एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 9 और 10 दिसंबर को होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रमुखता से कोविड से बचाव के प्रबंधन पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष
बताया कि तय किया गया है कि विधायक जहां से भी चलें या तो वहां जांच कराएं या फिर विधायक हॉस्टल में ही आरटीपीसीआर जांच कराएं। उन्होंने कहा कि क्योंकि कई विधायक दिवंगत हो चुके हैं और कई के इस्तीफे हो चुके हैं, लिहाजा सभा मंडप में ही सत्र का आयोजन किया जाएगा। जो लोग आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे उनका विधानसभा के गेट पर ही एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। ऐसे में कोविड से बचाव की जो भी गाइडलाइंस है उनका भी पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्व विधायकों से अपील की है कि कोविड से सुरक्षा के मद्देनजर वो इस बार विधानसभा सत्र में ना आए। तो ऐसे में कल से उत्तराखंड में देहरादून में आपको बता दें शीतकालीन विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले विधायकों को कह दिया गया है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हर किसी को लेकर आनी होगी, उसके बाद ही जो है एंट्री विधानसभा में मिलेगी। नंदा गौरा योजना का लाभ लेने से वंचित छात्रों के लिए खुशखबरी है। दरअसल महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से नंदा गौरा योजना के फॉर्म जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में छात्र और परिजन चैन की सांस ले सकते हैं। वहीं बाल विकास विभाग भी तारीख बढ़ने से राहत महसूस कर रहा है। तारीख बढ़ाए जाने पर छात्रों और परिजनों ने सरकार का आभार जताया है। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से साल 2017 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण ऐसी बालिका जिन्हें नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं मिल पाया या आवेदन करने से वंचित रह गई हैं। तो ऐसे में अब हर किसी के चेहरों पर खुशी जो है वो देखी जा रही है क्योंकि फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ा दी है, जिसके बाद तारीख बढ़ने से परिजनों और छात्रों में जो है खुशी की लहर देखी जा रही है और हर किसी ने चैन की सांस भी ली। जब हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से और आपके समाचार पत्रों ने भी प्रमुखता से, आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने प्रमुखता से इस बात को रखा कि सरकार का अपनी सरकार अपना पोर्टल जो है पिछले 19 नवंबर से और अब तक जो है कोई गतिविधि उसकी प्रमाण पत्रों में नहीं हो रही है। जो लोगों को पहले ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सेवाएँ मिलती थी तो उनके प्रमाण पत्र आय जाति वगैरह नहीं बन पा रहे थे, जिस कारण जो है कहीं सरकारी योजनाओं में आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को जो है भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो जब समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से इस बात को उठाया गया तो ये पूरे राज्य का मसला था, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव रहा है, समाचारों का प्रभाव रहा है, मीडिया का भी प्रभाव रहा है और हमने सही समय पर जो है सही बात को उजागर करने के लिए, जनता की समस्याओं को आगे करने के लिए मुद्दा उठाया। तो उसका फ़र्क ये पड़ा कि जो इस समय प्रदेश भर में वर्ष 2017 में जो इंटर पास हुई छात्राएं थी उनको जो है गौरा देवी कन्याधन योजना के लिए आवेदन करना था और कल 7 दिसंबर को उसी जो है अंतिम तिथि थी तो नहीं कर पाए वो प्रमाण पत्रों के अभाव में। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी जो है बैकफुट पर आना पड़ा और शासन को भी बैकफुट आना पड़ा और इसमें तिथि को संशोधित करना पड़ा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ऋषिकेश के युवा मतदान करने को जोश में दिखाई दे रहे हैं। इसका प्रमाण इसी बात से मिलता है कि 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवा बड़ी संख्या में बीएलओ से संपर्क कर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रहे हैं। यही वजह है कि ऋषिकेश विधानसभा ने उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़कर अपनी जगह टॉप 5 में बना ली है। तहसील प्रशासन का दावा है कि जल्द से जल्द युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़कर उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 की लिस्ट में अपना नाम करवा लेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि ऋषिकेश में युवाओं ने वोटर लिस्ट में अपने नाम जुड़वा दिए हैं जो 18 साल के हो चुके हैं और अब इस बार पहला मतदान वो करेंगे, वो लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए पहुंचे। ऐसे में चुनाव से पहले मतदान करने को लेकर युवाओं में काफी जोश देखने के लिए मिला। शासन का जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 30 नवंबर को ही जो स्पेशल समरी रिवीजन की हमारी ड्राइव थी वो समाप्त हुई है, परंतु अभी भी हमारा वोटर रजिस्ट्रेशन पे काफ़ी ध्यान है, काफ़ी अटेंशन है। हमारा पिछला 1-2 महीना इसी पे फोकस रहा है कि मैक्सिमम वोटर्स को, स्पेशली जो 18 से 19 ग्रुप के बच्चे हैं उनको हम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकें। इसमें हमारे द्वारा, तहसील प्रशासन द्वारा अनेक विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में बहुत ही पर्टिकुलर कैंपेन्स चलाए गए हैं। यहाँ पे जा जाके हमने बच्चों को रोप इन करके उनका
रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके साथ ही हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो फॉर्म 6 जो अभी तक प्राप्त हुए हैं वो पूरे राज्य में टॉप 5 में भी हैं। तो हमारी सबसे यही अपील है कि 18 से 19 साल के जो बच्चे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो यदि कोई छूट गए हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य के खिलाफ आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश में रेलवे रोड पर आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया का पुतला फूंका। चेतावनी दी कि यदि आम आदमी पार्टी के नेता अपनी गलत बयानबाजी को लेकर जुबान पर लगाम नहीं लगाते तो कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेताओं ने उत्तराखंड की भोली भाली जनता को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा रहे वादों पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दो बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल वो सुविधाएं दिल्ली की जनता को नहीं दे सके जिन्हें देने की घोषणा उत्तराखंड के लोगों के लिए की जा रही है। आप 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम हर 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को 1000 रुपए देंगे। आप बताइए, दूसरी बार आप दिल्ली के सीएम बने, आपने दिल्ली में दिया? ये जो उत्तराखंड की भोली भाली जनता को ये भड़का करके भाजपा की बी टीम के रूप में जो काम हो रहा है, आप जो घोषणा कर रहे हैं पहले उनको दिल्ली में करिए जहां पर आप स्वयं सीएम हैं। और अन्ना हजारे जैसा व्यक्ति, गांधीवादी, देश का सबसे ईमानदार व्यक्ति जिसने कहा था लोकायुक्त की स्थापना हो, जब इन लोगों ने उनको ठग लिया तो आप समझ लीजिए जनता को ठगने में कितनी देर लगेगी। ये जो हमारे नेता हैं यशपाल आर्य जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के दिनेश मोहनिया जी, उनके द्वारा जो है उनको अपशब्द कहे गए, जिसकी जो है कांग्रेस पार्टी घोर भर्त्सना करती है। और ये जो आम आदमी पार्टी है वो उत्तराखंड में भी भाजपा के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है, और जो दलित विरोधी है वो काम, जैसे भाजपा दलित विरोधी है वैसे आम आदमी पार्टी में उत्तराखंड में दलित विरोधी कार्य कर रही है, इसकी हम घोर भर्त्सना कर। गदरपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े 44 कर्मचारी, अधिकारी और डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर उपेंद्र रावत ने कहा कि हमारी सिर्फ दो मांगे हैं कि उचित वेतनमान और स्थायी नौकरी। इसके लिए हमने पहले से राज्य सरकार को सूचना दे दी थी और प्रदेश संगठन के आह्वान पर गदरपुर में भी हड़ताल की थी। हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम 9 दिन की इस तरह की हड़ताल के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी रह सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर रेखा ने कहा कि दो जायज मांगे हैं और इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। एक की कार्य के लिए दो तरह के डॉक्टर रखे गए हैं और वेतनमान अब भी अलग अलग है, जिस वजह से हम लोगों में रोष है और प्रदेश संगठन के आह्वान पर हड़ताल की घोषणा हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर जो असर होगा उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होगी। मांगे हम लोगों की दो सूत्रीय मांगों में सबसे पहली मांग है कि हमारी जो हरियाणा राज्य के तर्ज पर NHM कर्मचारियों का HR पॉलिसी लागू करी गई है, हम लोगों को उस HR पॉलिसी के समान ही HR पॉलिसी उत्तराखंड में भी लागू हो। साथ ही साथ जो वेतनमान हम लोगों को अति कम दिया जा रहा है और स्टेट में बढ़ा दिया गया है, हम लोगों को अभी तक उसका लाभ नहीं दिया गया है, तो उसके साथ हम लोगों को वेतन में भी वृद्धि चाहिए। और जो साथ में आउटसोर्स कर्मचारी हम लोगों के लिए हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको भी हम NHM के थ्रू ही, कोई ठेका प्रथा बंद करके उनको भी सब एम्प्लॉयज़ को NHM में ही लाने के लिए प्रयासरत है। स्ट्राइक की थी, कार्य बहिष्कार किया था, उसमें भी हमने सरकार से यही कुछ मांगी थी कि हमारी वेतन विसंगति को दूर किया जाए। और हम लोग क्योंकि बहुत सालों से NHM में कार्य कर रहे हैं और हम में से काफ़ी लोगों की जो है एज भी ऐसी हो चुकी है कि हम और किसी जॉब के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं, कि हम अब ये इंतज़ार करें कि हाँ अब कोई परमानेंट वैकेंसी आएगी फिर हम, ऐसा भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारी इतने सालों से हमारा जो ये यहाँ पर काम है और हम सब कुछ कर रहे हैं उसको देखते हुए ही सरकार हमारे लिए कोई अच्छे फैसले ले, हमारी वेतन विसंगति को दूर करे, हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि हम 60 वर्ष तक की उम्र में यहीं रहें, इसी विभाग में रहकर कार्य करते रहें।
सितारगंज में प्रशासन ने रात में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 10 वाहन कब्जे में ले लिए। फर्जी रॉयल्टी की शिकायत पर पकड़े गए इन वाहनों और उनमें लदे रेत बजरी की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने सोमवार की रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये कार्रवाई की है। इस दौरान रेता बजरी ढो रहे 10 वाहन कब्जे में ले लिए गए। इसमें रात हमने 11 से 2 बजे के बीच में ये कार्रवाई की है, जिसमें 10 गाड़ियां और अभी भी कार्रवाई जारी है, जिसमें हमने 3 ट्रॉली और पकड़ी हैं। इसमें से कुछ गाड़ियां विदाउट रॉयल्टी भी हैं और सभी में जो है वो कैपेसिटी से 100 टन से भी अधिक मात्रा में जो है वो RBM और गिट्टी और रेत भरा हुआ है। लगातार अवैध खनन की शिकायतें आ रही हैं, तो उसको लेकर उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में कल रात दबिश दी गई और उस दौरान हमने कई सारे वाहनों की चेकिंग करी, जिसमें करीबन 7 या 8 वाहन हमने जो है ओवरलोडिंग में पाए हैं। उन सभी को यहां मंडी खड़ा कर दिया गया है और उनके जो आगे की कार्यवाही है वो की जाएगी। क्या मैडम उसमें रॉयल्टी मिली? रॉयल्टी में थी वो, बट रॉयल्टी के साथ वो ओवरलोड चल रही थी सारी की सारी गाड़ियाँ, तो जितने में वो रॉयल्टी उनके पास थी उससे ज़्यादा में वो गाड़ियाँ चल रही थी, तो इसलिए अब उनकी उनका तुलान करके उनके ऊपर जो भी एक शुल्क है वो लगेगा, दंडात्मक शुल्क, और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई। मामला है जहां पर आपको बता दें प्रशासन के छापे में 10 ओवरलोड वाहन प्रशासन ने पकड़े हैं। लगातार इस तरह की शिकायत प्रशासन को मिल रही थी कि खनन रात के अंधेरे में किया जा रहा है, बड़ी मात्रा में खनन किया जा रहा है रेत और बजरी का, जिसके बाद लगातार शिकायत मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आया और उसके बाद रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों को कब्जे में कर लिया है, पकड़ लिया है, जिससे खनन माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। देश के पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भी इसी तरह का नजारा देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को भी बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई, वहीं बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी मोटी परत जम गई है। इससे पहले भी यहां बीच बीच में बर्फबारी होती रही है, जिसकी वजह से ठंड में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं उत्तराखंड की दूसरी जगहों पर भी इसी तरह की बर्फबारी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ के साथ साथ केदारनाथ, गंगोत्री और ओली में भी बर्फबारी हुई है। वहीं इस बर्फबारी की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट आ गया है। तो 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, ओली और गंगोत्री की हैं, जहां सुबह से ही बर्फबारी से मौसम काफी सुहाना हो गया है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, ओली और गंगोत्री की, जहां पर बर्फबारी होने की वजह से तापमान में काफी गिरावट आ गई है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इन सबके अलावा आपको बता दें कई और इलाकों में इसी तरह का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है और बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है, जिससे पर्यटकों के चेहरों पर तो खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि आम तौर पर पर्यटक काफ़ी इंतज़ार इस मौसम का करते हैं कि कब पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होगी और घूमने के लिए वो पहाड़ों पर जाएंगे। लेकिन अगर आम लोगों के, स्थानीय लोगों की वहाँ की बात की जाए, तो स्थानीय लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि बर्फबारी होने की वजह से मूलभूत सुविधाएँ जो हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाती हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।